हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू दी चैनल विदांतू एनसीआर टी क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ मैं हूं आपकी मास्टर टीचर करने का और आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर इलेवेंथ आपकी क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी बुक का जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन तो बच्चों इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और उसका फर्स्ट चैप्टर है ये जो आज हम सॉल्व करेंगे राइट एन बैक एक्सरसाइजेस फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन लिस्ट दी एट्रीब्यूट्स दैट पॉपुलेशन पोजेस बट नॉट इंडिविजुअल्स राइट ऐसे कुछ आपको एट्रीब्यूट्स मीन्स फीचर्स बताने हैं जो पॉपुलेशन में पाए जाते हैं इंडिविजुअल्स में नहीं जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो इंडिविजुअल्स में क्या फीचर्स मिलते हैं इंडिविजुअल्स का बर्थ होता है इंडिविजुअल्स की डेथ होती है इंडिविजुअल्स का एक सेक्स होता है मेल और फीमेल राइट बट अगर मैं उसको कंपेयर करूँ विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशंस तो पॉपुलेशन का कोई बर्थ या डेथ या सेक्स नहीं होता पॉपुलेशंस रादर हैव बर्थ रेट डेथ रेट रेट मीन्स पर यूनिट एरिया कितने वहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ्स हो रहे हैं कितने वहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं सो दैट गिव्स अस बर्थ रेट एंड डेथ रेट और उसके अलावा हमें सेक्स की बजाय मिलेगा एक पॉपुलेशन में सेक्स रेशो राइट मतलब नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पर थाउजेंड मेल्स नंबर ऑफ़ फ़ीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स ऐसे करके हम उसको कैलकुलेट करेंगे और उसी के बेसिस पे हम ऐज पिरामिड्स भी बना सकते हैं कुछ ऐसे ग्राफ्स ऑप्टेन कर सकते हैं जिसमें हमें डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे राइट right? और सिमिलरली एक हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी डेंसिटी मीन्स कि एक पर्टिकुलर एरिया में गिवन टाइम पे कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं दैट गिव्स यू पॉपुलेशन डेंसिटी तो ये कुछ फीचर्स हैं कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आप पॉपुलेशन के कंटेक्स पे बात कर सकते हैं नॉट इन द टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल तो आओ लिखते हैं इसको वन बाय वन समझेंगे भी और लिखेंगे भी अ पॉपुलेशन हैज़ सर्टन अ पॉपुलेशन हैज़ सर्टन attributes a population has certain attributes that an individual does not have jo ki aapko ek individual mein nahi milega that an individual does not have right for example individuals have लिख लेते हैं साथ के साथ एग्जाम्पल के तौर पे for example individuals have births or deaths राइट वाइल पॉपुलेशन हैव बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स राइट तो ऐसे कर करके हम एक एक फीचर को यहां पर एक एक एट्रीब्यूट को ऑफ अ पॉपुलेशन हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड सम एट्रीब्यूट है सम एट्रीब्यूट Of populations are right number one बात कर लेते हैं birth rates की ही right सबसे simple type of attribute अगर मैं यहाँ पे discuss करूँ birth rate right birth rate rate का मतलब होता है per unit time कि पर यूनिट टाइम में एक गिवन एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे कर रही है बर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स राइट पॉपुलेशन का जो रेट बढ़ेगा राइट पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट बढ़ेगा उसके लिए हम एक टेक्निकल टर्म भी यूज करते हैं इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड नटेलिटी वॉट इज इट कॉल्ड नटेलिटी बर्थ रेट की टेक्निकल टर्म है इट इज ऑल्सो कॉल्ड नटेलिटी राइट सो इट इज द रेशो ऑफ रेशो ऑफ लाइव बर्ड्स जितने भी इंडिविजुअल्स वहां पे बॉर्न हुए है, right? area, area, हैं लाइव स्टेट में राइट इन एन एरिया इन एन एरिया टू द पॉपुलेशन टू दॉपुलेशन ऑफ एन एरिया टू द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया बेसिकली न्यूली एडेड हैं थ्रू बर्ड्स, राइट सेकेंड फैक्टर पे मूव करते हैं दैट इज डेथ रेट दैट इज डेथ रेट जिसको आप अदर टर्म्स में यू कैन ऑल्सो कॉल इट टेक्निकली मोर्टेलिटी क्या बुला सकते हैं इसको और मोर्टैलिटी राइट तो मोरटेलिटी की या डेथ रेट की बात करें इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू द डेथ्स इन एन एरिया इट रेफर्स टू द डेथ्स इन एन एरिया टू द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया टू द पॉपुलेश To the population of an area. Basically, jitene individuals whaase uh, totally eradicate ho due to death. That refers to the death rate. Okay, and then we have another attribute that is sex ratio. Sex ratio, as I told you, it refers to number of females per thousand males. Right? That is how you calculate it. Number of females per thousand males. पर थाउजेंड मेल्स दैट गिवस यू सेक्स रेशियो इसी के साथ हम नोट डाउन कर लेंगे एक और ग्राफ जो हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन कि कितने लगभग इंडिविजुअल्स पर एज ग्रुप में फॉल करेंगे लाइक वी हैव थ्री एज ग्रुप्स प्री रिप्रोडक्टिव जो यंग इंडिविजुअल्स हैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते रीप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो इंडिविजुअल्स अपनी रिप्रोडक्शन स्टेज पर पहुँच चुके हैं लाइक द यंगस्टर्स दर्ट यू नो एडल्ट मैन एंड वुमेन एंड देन वी हैव पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जिसमें सब ओल्ड पीपल इंक्लूडेड हैं विच हैव लॉस द पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन नाउ तो ऐज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ

द रिजल्टेंट ग्राफ द रिजल्टेंट ग्राफ इज कॉल्ड एन एज पिरामिड इज कॉल्ड एन एज पिरामिड तो इसको हम क्या बुलाएंगे एज पिरामिड कह सकते हैं पिरामिड इसलिए क्योंकि शेप ऐसी बनेगी पिरामिड जैसी राइट सो शेप ऑफ द पिरामिड इज बेसिकली गोइंग टू डिटर्मिन कि पॉपुलेशन ग्रो करेगी डिक्लाइन करेगी स्टेबल रहेगी क्या सिचुएशन होगी ठीक है जैसे नंबर ऑफ एज ग्रुप्स होंगे जितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में फॉल करेंगे वही डिसाइड करेगा कि कितनी राइजिंग या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है एंड लास्ट फैक्टर इज पॉपुलेशन डेंसिटी लास्ट एट्रीब्यूट इज पॉपुलेशन डेंसिटी तो जैसे मैंने आपको बताया था डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन प्रेजेंट इन अ पर यूनिट एरिया एक पर यूनिट एरिया में गिवन टाइम में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू गिव यू पॉपुलेशन डेंसिटी इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम एट अ गिवन टाइम सो बच्चों यहां पर हमने एक्सप्लेन किए कुछ एट्रीब्यूट्स जो कि हम पॉपुलेशन के कंटेक्सट में बात कर सकते हैं नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स राइट सो आई होप आपको ये समझ में आया इट इज क्लियर टू यू एंड इफ इट इज सो हिट द लाइक बटन शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड रिमेन सब्सक्राइब टू चैनल विदान टू एनसीआरटी सी यू देन टेक केयर